Hi, all the students. My name is Anil Chowdhury and welcome to Icon Careers YouTube channel. आज हम लोग बात करेंगे कुल प्रकाश, one of our students, जिसने अभी just 2 दिन पहले RRB PO का इंटरव्यू दिया जोधपुर में. And कुल प्रकाश से हम बात करेंगे. We will try to understand overall interview का पूरा process कैसा था, what kind of questions were there, and अब जो students आके future में, चाहे RRB हो, IBPS हो, SBI हो, किसी भी बैंकिंग एग्जाम का अगर अपन इंटरव्यू देते हैं तो व्हाट थिंग्स वी पीपल हैव टू कीप इन माइंड, तो डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे कुल प्रकाश के साथ. आज हमें पता है कि जब कुल प्रकाश ने जब इस इंटरव्यू को फेस किया उसके कुछ दिनों पहले, वी वर एक्चुअली सिटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दी RRB PO इंटरव्यू, और हमने भी कुल प्रकाश के कुछ मॉक्स लिए थे. तो हम समझने की कोशिश करेंगे उससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा. आज जेनरली जो इंटरव्यू होता है ओके, वो I generally see students, they get scared with interviews ki sir, bada dar lagta hai. To Kul Prakash, kya lagta hai? Interview se aisa kuch dar lagta hai ya nahi lagta hai? सर डर तो लगता है. डर एक्चुअली जो आपने मॉक इंटरव्यू लिए थे, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने मॉक इंटरव्यू लिए थे वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के थे जो मेरा रियल इंटरव्यू हुआ था. और Fantastic. आपके मॉक इंटरव्यू की वजह से ही जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो एक अलग लेवल पर था इंटरव्यू देने से पहले. Very nice, very nice. Yes, definitely. इतने साल almost कुल प्रकाश मुझे खुद को इंटरव्यू की तैयारी करवाते हुए 18-20 years हो चुके हैं. Okay, on interviews में सारे students कुल प्रकाश तो अपने views बताएगा ही, but you people do try to understand. तीन चार बड़े important areas होते हैं जिनमें questions पूछे जाते हैं. Okay, तो सबसे पहले कुल प्रकाश personal questions. What kind of personal questions were there? Sir, first of all, they asked me the meaning of my name, like you did in mock interview. So their first question was, your name is very interesting. एक question सबसे पहले पूछा था कि कुल प्रकाश का meaning क्या होता है. Wonderful, great. Yes sir. और फिर सर उन्होंने मुझसे पूछा कि उनको मेरा एड्रेस दिख रहा था केसर कुंज भिलवाड़ा, तो शायद उनमें से कोई पैनल भिलवाड़ा का था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि केसर कुंज वही चित्तौड़ रोड वाले ही है, तो मैंने बोला हाँ. और वो पूछने लग गए कि इसमें कितने घर है, और कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन इस मेरे एड्रेस पे भेजते हैं इनमें से. और फिर उन्होंने फैमिली के बारे में पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, वो सब चीजें. और पर्सनल क्वेश्चंस तो यही थे सर स्टार्टिंग में. ओके. एंड व्हाट वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन? मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? मेजरली इंग्लिश में चल रहा था इसमें? सर इंग्लिश में भी चल रहा था, हिंदी में भी चल रहा था, बाइलिंगुअल था. ओके. एंड जो पैनलिस्ट हैं, हाउ मेनी पैनलिस्ट वर देयर? सर देयर वर 7 मेंबर्स, वन वाज फीमेल एंड 6 वर मेल्स. ओके, 7 मेंबर्स का तो स्टूडेंट्स, इट्स अ बिग पैनल. तो ये सारे 7 मेंबर्स वर दे आस्किंग क्वेश्चंस टू यू, या इनमें से कोई 2-3 जने ही आपसे पूछ रहे थे? सर एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबने पूछा था, एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबने मुझसे पूछा ही था. ओके. वंडरफुल. एंड जनरली जो पैनलिस्ट थे उनका एज ग्रुप क्या था? मतलब उसमें यंगस्टर्स भी थे, बड़े भी थे? नो सर, या ऑलमोस्ट अबाउट 50 थे, ऑलमोस्ट सब अबाउट 50 थे. ओके. वंडरफुल. चलो फिर उसके बाद क्या हुआ? पर्सनल क्वेश्चन तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही पर्सनल क्वेश्चन से हुई थी. एंड यस सर. आफ्टर दैट किस डायरेक्शन में गया इंटरव्यू? सर फिर वो मेरे एकेडमिक्स से रिलेटेड उन्होंने पूछा, बीटेक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि आपका जो बीटेक है वो आपको बैंकिंग में कैसे हेल्प करेगा, आपको कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस आती हैं. और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको फॉक्स प्रो में और विजुअल बेसिक में क्या डिफरेंस होता है वो पता है, ये सब चीजें थी बाद में. मैक्सिमम ये सब क्वेश्चंस पर हमने वैसे भी काफी अच्छी ग्रिलिंग की थी. एंड स्पेशली यस सर. क्वेश्चन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक, व्हाई एक्चुअली यू वांट टू मेक अ करियर इन बैंकिंग, एंड मोर ओवर व्हाटएवर स्किल्स यू हैव लर्नड ड्यूरिंग योर बीटेक, हाउ दोस स्किल्स आर गोइंग टू हेल्प अस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग. यस सर. सो क्या लग रहा था, व्हाटएवर आंसर्स यू गिव, पैनलिस्ट कन्विंस लग रहे थे या नहीं? यस सर, दे वर सैटिस्फाइड विद माय आंसर्स. ओके. एंड वन मोर थिंग कुल प्रकाश, व्हाटएवर आंसर्स यू आर गिविंग, क्या पैनलिस्ट उनमें काउंटर क्वेश्चंस भी आपसे लगातार पूछ रहे थे, या फिर आपके आंसर्स को सुनने के बाद दे यूज्ड टू चेंज द आंसर? सो व्हाट वाज द थिंग गोइंग ऑन देयर? नो सर, दे वर आस्किंग काउंटर क्वेश्चंस टू, नॉट ऑन माय एवरी आंसर, बट इन सम आंसर्स दे वर गिविंग काउंटर क्वेश्चंस टू. ओके. लगातार. तो चलिए मुझे बताओ कुल प्रकाश, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप अटके, कहीं पर आंसर नहीं दे पाए, और यू आर नॉट नोइंग व्हाट वाज द आंसर इन दैट केस, how did you handle the situation?
नहीं सर, फॉर्चुनेटली ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मैं कहीं अटका। मुझे सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, मुझे सबके आंसर बता दे, और वो काफी इम्प्रेस थे। मतलब उन्होंने मुझसे 10-12 क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने 10-12 मिनट तक इंटरव्यू चला था, और वो हर आंसर के बाद उन्होंने मुझे वेरी गुड या कॉम्प्लीमेंट करा हर आंसर के बाद में। वेरी नाइस वंडरफुल। तो चलो बीटेक के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ, एंड आफ्टर दैट बैंकिंग से रिलेटेड, वर देयर एनी यस स्पेसिफिक सर, क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू बैंकिंग? यस सर, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क्ड मी कि जैसे आपकी मदर बैंकिंग में है, तो मैंने उनको बताया था कि मदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो मुझे पता था पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उन्होंने ये पूछा कि पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग का डिफरेंस होता है दोनों में। और फिर उन्होंने पूछा कि आपकी मदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में फेस करती है, मतलब आप घर पे मम्मी के मुंह से क्या टर्म ज्यादा सुनते हैं। तो मैंने सुना है मम्मी के मुंह से एनपीए बहुत ज्यादा सुना है, कि मम्मी एनपीए की वजह से बहुत परेशान रहती है। तो फिर एनपीए से रिलेटेड 3-4 मिनट तक एनपीए टॉपिक काफी चला, कि एनपीए क्या होता है, एनपीए की क्या टाइप्स होते हैं, और पीसीए क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो कि गवर्नमेंट लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेते हैं एनपीए से बाहर आने के लिए। तो इस एनपीए को काफी वो दिया गया था प्रेफरेंस। यस, ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, अगर आप बैंकिंग के किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, इवन इफ योर सब्जेक्ट वॉज नॉट कॉमर्स, बट फिर भी स्टूडेंट्स आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और इसके बिल्कुल लिए द बेस्ट थिंग इज, ऐसा नहीं कि परसों मेरा इंटरव्यू है तो आज मैं तैयारी करना स्टार्ट करूँ। जिन भी स्टूडेंट्स का गोल है कि मुझे बैंकिंग में अपना करियर बनाना है, आज ही से स्टूडेंट्स इन सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। एंड दो चीजों पर यू पीपल हैव टू फोकस, सबसे पहले टेक्निकली इन सारे टर्म्स को समझना, और उसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सब को लेकर अपने व्यूज डेवलप करना। और व्यूज डेवलप करने के लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू कीप रीडिंग लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स, लॉट्स ऑफ ब्लॉग्स। ओके, तो ये सब चीजें अपन करते रहेंगे। सी अल्टीमेटली कुलप्रकाश, आपको भी लगा होगा कि अगर मुझे पता है कि व्हाट आंसर्स हैव टू बी गिवन, तो कॉन्फिडेंस हमेशा फेस पर रिफ्लेक्ट होता है। बट अगर मुझे यस नहीं सर, पता है बिल्कुल तो व्हाट पॉसिबल क्वेश्चन कैन बी देयर, द कॉन्फिडेंस विल नॉट बी देयर। कुलप्रकाश के साथ बिल्कुल मैं सभी स्टूडेंट्स के सामने ये श्योरली कह सकता हूँ कि हमने कोई महीने 2 महीने की क्लासेस नहीं ली इंटरव्यूज को लेकर, ठीक है, 3 4 5 दिन तक हम कुलप्रकाश के साथ बैठे। एंड आई सी दैट द फर्स्ट डे, ठीक है, व्हेन ही वाज वेरी रॉ, ओके, ही वाज लाइक नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द इंटरव्यू से लेकर जब हमने मॉक इंटरव्यू लिया और उसका फीडबैक दिया, आई थिंक वो 4 5 दिनों में जो ड्रामेटिक चेंज आ गया, ओके, वो अपने आप में बहुत सफिशियंट था ऐसे इंटरव्यूज को फेस करने के लिए। एंड मोर ओवर द बेस्ट पार्ट विद कुलप्रकाश वाज ही वाज एनीवे कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग ऑन द बैंकिंग टर्म्स एंड ऑल, तो इन सब के बारे में भी स्टूडेंट्स यस कीप सर, वर्किंग ऑन दैट। ओके, एनी एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट बैंकिंग? बैंक अबाउट बैंकिंग, नो सर, अबाउट बैंकिंग देयर बट दिस अबाउट एनपी ओनली, बट दे आस्क मी कि तुम्हारे एकेडमिक्स काफी, मतलब उनको मेरे मार्क्स दिख रहे थे 12th के या कॉलेज के, तो उन्होंने बोला कि आपके एकेडमिक्स काफी अच्छे हैं, तो फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो साथ में। तो मैंने बोला सर अभी फिलहाल तो मेरा फोकस सिर्फ बैंकिंग पर ही है, आगे चल के कुछ और करूंगा तो फिर वो अभी बोल नहीं सकता। अच्छा, आगे चलकर तुम क्या करना चाहती हो? एंड सेकेंड, डिड दे आस्क ए क्वेश्चन, आरआरबी वर्सेस आईबीपीएस? ओके, नो सर, आईबीपीएस दे वर दे डिड नॉट आस्क मी। डिस्कशन आया था, नो सर, आई वाज अच्छा, प्रिपेयर्ड फॉर द तो आंसर बट दे डिडंट आस्क आप भी मी। उससे बहुत डरे हुए थे कि सर पॉसिबली अगर ये क्वेश्चन आ गया कि यस आईबीपीएस में सर, भी सिलेक्शन हो गया और आरआरबी में भी हो गया तो देन व्हाट, कैन ऑन व्हाट यस सर, बेसिस वी आर गोइंग टू जस्टिफाई आर आंसर? तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। ओके, यस सर, ऐसा कुछ नहीं आया। चलो वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड एनी क्वेश्चंस? नो सर, करंट अफेयर से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। बस एक पैनल थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी पर्सनालिटी देख के लगता है कि आपको स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आपको कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो मैंने बताया क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो एक्चुअली क्या, मेरा इंटरव्यू 6th को था, 5th को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कल साउथ अफ्रीका कितने रन पे आउट हुई। तो फिर मैंने बताया सर एक्चुअली इंटरव्यू के कारण मैच तो नहीं देख पाया, पर मुझे इतना पता है कि बिलो 90 और 80 की लाइन में कुछ स्कोर था साउथ अफ्रीका का। तो उन्होंने बताया हाँ 83 था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको 83 सुन के कुछ याद आता है क्रिकेट के टर्म्स में। तो मैंने बताया हाँ सर 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी। तो वो काफी इंप्रेस हो गए थे वो सुन के। फिर वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑलराइट, एंड लास्ट में, हाउ डिड द इंटरव्यू एंड, कैसे एंड हुआ, कुछ आपसे और पूछा गया या फिर फाइनली सब क्वेश्चंस के बाद स्ट्रेट अवे थैंक यू? उन्होंने सर ये लास्ट क्वेश्चन क्रिकेट वाला ही था मुझसे, वो क्रिकेट वाला सुन के फिर वो काफी इंप्रेस हो गए, तो फिर बोला थैंक यू सो मच।
चलो और वंडरफुल। फिर एक क्वेश्चन सो उन्होंने बीच में एक क्वेश्चन और पूछा था चैट जीपीटी के बारे में। उसके बारे में काफी लंबा डिस्कशन चला था, चैट जीपीटी और गूगल। उन्होंने मुझसे पूछा कि गूगल और चैट जीपीटी में डिफरेंस क्या होता है, उस पर डिस्कशन काफी लंबा चला था हमारा। ओके ओके ओके। नहीं बट ये डिस्कशन स्टार्ट कैसे हुआ? डिड दे यस सर, विलिंगली दे आस्क मी आस्क अबाउट व्हाट इज डिस्कशन? चैट जीपीटी। ओके 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 ओके। सो पॉसिबली आई एम कॉन्फिडेंट कि इसको लेकर बहुत जस्टिफाइड आंसर्स यू वर एबल टू गिव, इज इट? यस सर, एक्चुअली आई वाज हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट चैट जीपीटी, सो आई आल्सो सेड दैट बिफोर दिस इंटरव्यू ओनली आई हैव यूज्ड चैट जीपीटी टू फाइंड माय सम आंसर, सो दे आस्क मी व्हाट डिड यू फाइंड एंड ऑल, सो दे वर वेरी प्रीटी इंप्रेस्ड अबाउट माय आंसर्स। Fantastic. So all the students do understand. Kul Prakash ka jo bhi experience tha, on the basis of that, we people can deduce a few things. Sabse pehle there will be some questions which will be based on our personal lives. Inhe students hum log kehte hain HR questions. Tell me something about yourself. Tell me something about the hometown from where you belong. And then apne education ke bare mein kuch batao. Tell us something about your hobbies. Tell us something about your strength areas. वीकनेसेस, अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर अचीवमेंट्स, तो इनको लेकर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड सेकेंड, स्टूडेंट्स आपके एकेडमिक्स के बारे में भी काफी सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या थे, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया, क्यों आपने उसकी पढ़ाई की, उस सब्जेक्ट को पढ़ने से बैंकिंग में क्या एडवांटेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इवन सच क्वेश्चंस कैन बी देयर। और थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया होता है, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इसके बारे में तो बहुत अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। एंड फोर्थ, करंट अफेयर्स। तो एनी वे दैट कैन बी पर्टेनिंग टू एनी थिंग। तो एनी वे कुल प्रकाश, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू आई सर, बिलीव दैट जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा वो एक्चुअली और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। यस केवल सर, आप अगर अच्छी तैयारी करो और साथ में नॉलेज लगातार डेवलप करते रहो, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यू शुड बी रेडी विद द आंसर्स। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पैरेलल नॉलेज बहुत चाहिए। एंड थर्ड, स्टूडेंट्स कुछ मॉक इंटरव्यूज देकर अगर आप प्रैक्टिस कर लो, तो प्रैक्टिस प्लस नॉलेज एंड इफ यू आर रेडी विद द आंसर्स, 100% दिस कॉम्बिनेशन विल लेट यू क्रैक द इंटरव्यू। स्टूडेंट्स अगर आपके फ्यूचर में कोई भी इंटरव्यूज हैं और आप हमारी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पर स्टूडेंट्स या फिर डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर्स हैं आप उस पर हमसे कांटेक्ट करें। एंड ऑनलाइन मोड पर भी क्लासेस आर अवेलेबल। एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ये है कि मैक्सिमम 90% कन्वर्जन है इंटरव्यू में। तो कुल प्रकाश, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट वेरी सून। ओके, तो बस थैंक यू तुम्हारा सर, इंतजार होगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वंस अगेन। एंड थैंक थैंक यू यू, सो मच सर। थैंक्स। ओके बेटा।